साल में हटो भैया हटो हटो शाम अरे भैया छतिया दिया देखा तो इस समय तो शाम के समय तो कम है देखो लड्डू क्या कर रही है, क्या करी लड्डू, देखे देखे ओ चोटी बनाई है, ये देखो देखो चोटी अपने आप कैसे सीखी बाबू, हाँ थोड़ा करते करते सीख गए थे। ये ऐसे लगाएगी मेरे ख्याल से, ये ऐसे ना, वार हीरोइन ये तेरी की। देखा मोबाइल ना देखने का ये फायदा है, नहीं देखोगे तो कुछ ना कुछ करोगे बोर होते हो तो, समझे। तुमको चोटी बनाना आ गया, देखो कितनी अच्छी बात है, ऐसी सीखा करो। और मेरी चाय, मेरी जान, मेरी चाय।
ना लाडू हाँ चाय तो बहुत जरूरी है जिंदगी में, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी ना सोना। और इन लोगों को कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती तो हम क्या बनाएंगे? ले आलू 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 आलू। इन लोगों को तो कोई सब्जी नहीं अच्छी लगती, बांध दे। आ रही हूँ। हाँ ऐसे ऐसे हाँ दोनों एक साथ को ज्वाइन। हाँ बस तो ऐसी तो ठीक है। तो हो भी पाएगा ये कुछ ज्यादा ऊपर नहीं उठ रहा। हाँ कुछ ज्यादा ऊपर। तुम बाल नहीं झाड़े हो ना इसीलिए। सीखते सीखते तुमको आएगा। अभी तो तुम्हारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये जैसे कि यहाँ से ऐसे धीरे धीरे आएगा, ऐसी बात नहीं। एक सेकंड रुके, पहले क्लिप हटाइए। रुको 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 बताए। देखो ये भी तुम कैसे की हो, ये भी ठीक नहीं था। ये तो यहाँ से लेना चाहिए, यहाँ से पूरा आगे से पूरा लेके। अब तुम चोटी करना आ गया, अब तुमको धीरे धीरे देखो जब आगे से करना है ना तो ये आगे वाला पूरा लेना चाहिए। ये अच्छा जैसे ये भी ले सकती हो लेकिन ये आगे का इतना ऐसे। ठीक चलो ठीक। ये देखिए हमारा बच्चा। आज हम पहली बार हम सोच नहीं सकते थे कि मेरा बच्चा चोटी बनाया है। ये हाय राम करे लडवा, हम तो सोचे भी नहीं थे कि इसको आता भी है। ये पूरा बना ली है, वाह। देखें तो फ्रंट लुक देखें, वाह गजब है। हाय मैं वारी जाऊँ, हाय मैं वारी जाऊँ, हाय मैं वारी जाऊँ। गुल मेरी सरकार नाचे नाचे आए हैं। अरे नाचिए, आप तो नाच ही नहीं रहे हैं। नहीं तो ऐसे बिना गाने के जो आप नाचते हैं ऐसे नाच। गजल है, गजल है, उसको गजल भी कहते हैं। गजल रोटी लेना है नहीं। अच्छा नाचिए, गाना लगाओ। चलिए चार्ज में लगाओ, गाना लगाओ। हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, राम राम। ये आज 20 तारीख है और सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं नहा ली, भोर के 4 बज रहे हैं, नहा ली क्योंकि सूर्य भगवान को अर्घ देना है, छठ में जाना है। मेरी और फ्रेंड्स लोग भी जा रही हैं। तो ये कल भी मैं साड़ी पहनी थी, आज भी पूजा पाठ में लोग कहते हैं साड़ी पहनना चाहिए, तो साड़ी पहन लिया है मैंने। और थोड़ा सा हम सोचे कि आप लोगों को भी राम राम कह के तब चलें। यहाँ पे जब आप लोगों से बात करी तो फेस पे गुलाब जल लगा रही थी क्योंकि डायरेक्ट सनस्क्रीन क्रीम अप्लाई नहीं कर सकती, पहले गुलाब जल लगा के तब ऊपर से सनस्क्रीन क्रीम लगाऊंगी तो ठीक रहता है, नहीं तो नुकसान करता है स्किन को। और इस समय आप फोन करेंगे अपनी फ्रेंड लोगों को, भीड़ बहुत रहता है तो इसलिए हम सोचे कि पहले से ही रेडी हो जाओ, ज़्यादा बेटर है। देखते हैं कोई साधन मिलता है कि नहीं, रिक्शा मिलता है कि नहीं, यही थोड़ा सा देखना था। और चेरी तो अभी सो रही हैं,
अब उठेगी तब तक तो हम आ ही जाएंगे, उठ जाएगी तब तब तक तो हम आ जाएंगे। और पूरा यहाँ पे झाड़ू पोछा किचन में सब हो गया, नीचे मंदिर में पोछा लगा दिया है, और बस अब आएंगे पूजा करेंगे, चेरी को स्कूल भेजेंगे, इतना काम करना है। आज बहुत दिन, हर छठ पूजा पे 4 बजे भोर में नहाते हैं हम, हर छठ पूजा पर 4 बजे भोर में ही नहाना हो जाता है। ये दिखा रही मामा अर्थ का सनस्क्रीन क्रीम लगा रही हूँ, उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, मेरी बेटी ने ला के दिया, वो खरीदी थी तो बोलेगी मम्मी तुम लगा लो। I am ready. फोन करें कौन कौन रेडी है, यही फोन करने जा रहे थे कि हमारी फ्रेंड लोगों में से कौन कौन रेडी है। 3:15 बजे हमारे हस्बैंड कह रहे थे कि अभी सो जाओ, लेकिन हमको जाना भी था, हम दो फ्रेंड और भी थी, तो सबका टाइमिंग था कि नहीं इतने बजे हम लोग को निकलना है। भीड़ तो बहुत रहती है, बहुत भीड़, लेकिन 1-1.5 घंटे पहले से हम लोग गए थे तो अच्छा था, लेकिन बहुत वेट करवाए सूर्य भगवान जल देने में। हम लोग यहाँ से 4:45 बजे निकल गए थे, घर से 4:45 बजे हम लोग निकल गए थे, वहाँ पर पहुँच गए थे हम लोग 20-25 मिनट में हम लोग पहुँच गए थे, लेकिन इतनी भीड़ थी कि पानी के पास जाते जाते हम लोग को 1.25 घंटा लग गया, 1 घंटा तक हम लोग खड़े थे, रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे खिसके हम लोग, आज सूर्य भगवान निकल ही नहीं रहे थे, बहुत देर हो गया। 7 सभी लोग कह रहे थे कि 7 बजे शायद, 7 बजने में कुछ मिनट बाकी ही था तभी आज निकले, फिर हम लोग अर्घ दे के जल्दी जल्दी घर आए। तो मेरी चेरी सारा काम कर चुकी थी, सैंडविच बना ली थी अपने लिए, नहा धो के एकदम रेडी थी, बस हम आए उसका बाल झड़े और उसको स्कूल भेज दिए। सुबह से अभी 10:45 बज रहा है, अभी थोड़ा सा रेस्ट किए हैं बस, जब से 3:15 बजे से उठे हैं, क्योंकि इनको भी नाश्ता देना रहता है, पानी भरना, मशीन लगाए, बहुत सारा काम हुआ, तो फिर अभी रेस्ट मिला। अभी आकाश का वेट हो रहा है, आकाश गया है कंप्यूटर क्लास करने, जब वो सैंडविच खा लेगा तो देखते हैं, नींद आएगा तो सोएंगे, नहीं तो पूरा खाना बना लेंगे, फिर दोपहर में सोएंगे। यही था आज का, हम सोचे कि लाओ आप लोगों से बात कर लें, बहुत थकान हो गई थी। छठ पूजा में तो खैर बहुत बहुत अच्छा लगता है, सब जगह दीप जलता रहता है, सभी लोग व्रत रहते हैं, बहुत लोग ढोल ताशा से आते हैं। ये 3 दिन का व्रत रहता है, 1 दिन खरना रहता है, नहीं पहले दिन लोग लौकी की सब्जी और चावल खाते हैं, दूसरे दिन पूड़ी खीर खाते हैं, फिर तीसरे दिन शाम को जैसे कि व्रत रहते हैं, उसके बाद आज मंडे को फिर सूर्य भगवान को दे के अर्घ, तब घर जाएंगे तो खाएंगे। ये बहुत व्रत बहुत कठिन का है। अब चलेंगे खाना बनाएंगे, अकेले रहने में यही होता है। सब्जी तो खैर कद्दू की सब्जी बन गई है मेरी, चावल दाल बनाना है। ऐसे तो चावल दाल से कंप्लीट भोजन लगता है, नहीं तो रोटी सब्जी बनाओ तो लगता है कि जैसे कि नहीं इनकम्प्लीट है। सभी को चाहिए, खैर चावल दाल बनने में समय भी नहीं लगता है, भिंगा दिया है फट से बन जाएगा।
अब और आज वीडियो हम यहीं पे एंड भी करते हैं। आप लोगों से मिलेंगे अब दूसरे अनदर ब्लॉग में। तब तक आप लोग सेहतमंद रहिए, खुश रहिए, हम भी खुश रहें, आप लोग भी खुश रहिए। बाय बाय।